हाय, दिस इज डॉक्टर जीन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीन फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे यूटीआई इन प्रेगनेंसी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस इन प्रेगनेंसी। आज हम ये डिस्कस करेंगे उसके चीफ कंप्लायंट, उसके जो सेफ एंटीबायोटिक्स है जो कि मोस्टली इन यूज इन प्रेगनेंसी, एवरी डिजीज में यूज होते हैं ये एंटीबायोटिक्स, और उसके रैशनल प्रिस्क्रिप्शन हम डिस्कस करेंगे आज। तो स्टार्ट कर दिए चीफ कंप्लायंट्स हमारे पास। सबसे पहले जो भी अगर यूटीआई के पेशेंट आपको आते हैं ओपीडी में, हॉस्पिटल ओपीडी में, तो उसमें ये सिम्टम्स जरूर होंगे, साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे कि उसमें माइल्ड फीवर होगा, बर्निंग मिक्चुरेशन, एब्डोमिनल सुप्राफ्यूबिक पेन्स, लोअर एब्डोमिनल पैन यूरिनेशन, पैन यूरिनेशन होगी, डाइसूरिया मीन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन बट वेरी लिटल यूरिन कम आउट, अर्जेंट यूरिनेशंस होगी, मेलेस, बॉडी एक वगैरह, स्ट्रेस एंड एंजाइटी होगी। तो जब ये सिम्टम्स आपको एक पेशेंट्स जो है वो आप सॉर्ट आउट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो उसके बेस पे आप इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं। आप करते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले अगर सीबीसी करते हैं कि उसमें ब्लड में कोई जो है वो माइक्रोब्स वगैरह आप देखते हैं, तो वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, पस सेल्स देख सकते हैं, न्यूट्रोफिल, एक्सोफिल एंड सब डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ये सब के सब आप देख सकते हैं। अच्छा, उसमें यूरिया, क्रिएटिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिन, कल्चर सेंसिटिविटी, अल्ट्रासाउंड ऑफ के यू बी किडनी, यूरेटर ब्लैडर्स, एक्सरे ऑफ किडनी, यूरेटर ब्लैडर्स आप ये कर सकते हैं। तो ये दिस इज इन्वेस्टिगेशंस ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, आप उसमें जा सकते हैं। एंड देन यू शुड गो टूवर्ड द रैशनल प्रिस्क्रिप्शन, जो कि वो प्रिस्क्रिप्शन जो कि आपके पेशेंट्स को ठीक कर जाए, आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस उसकी होगी, और ये आपको कि आपकी पेशेंट्स को इफेक्टिव पैदा करे, उसको पेशेंट को इफेक्टिव दे, तो आप वो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले जो है टैबलेट ऑगमेंटिन, ऑगमेंटिन या एमक्लैफ जो कि फॉर्मूला है उसकी, मक्सुक्लैफ 275 मिलीग्राम, 625 मिलीग्राम एंड 1 ग्राम, उसमें मार्केट में अवेलेबल है, टू डिपेंड अपॉन यूअर सीवियरिटी, डिपेंड अपॉन यूअर पेशेंट्स नीड, आप ये ड्रग, ये फॉर्मुलेशन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। और डिपेंड करता है 1+1+1, आप 3 टाइम अ डे, मतलब 3 टाइम अ डे आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, 2 टाइम अ डे बीडी या टीडीएस आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं इन द यूटीआई इन प्रेगनेंसी एंटीबायोटिक्स एगमेंटिन। या अगर वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, इफ यू हैव डोंट एगमेंटिन एमक्लैफ, यू शुड गो टूवर्ड द कैफलेक्स या सिप्रोक्स 250 मिलीग्राम एंड 500 मिलीग्राम से पैलाक्सिन्स, यू कैन प्रिस्क्राइब दिस आल्सो अगर आपके पास एगमेंटिन नहीं है। अच्छा, ये सेम डोज है कि 1+1+1, 1 एंड BD/TDs आप प्रिस्क्राइब कर सकते। अच्छा, सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस के पैराडॉल या कल्पोल, इट्स मीन ए पैरासिटामोल फार्मूला, क्योंकि पैरासिटामोल या पैराडोल्स आप ये सेफ है प्रेगनेंसी में, एंड ये इसलिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि अगर उसमें पैन है तो पैन अराइज की वजह से ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यू शुड, यू डोंट गो टूवर्ड अली अदर्स एनसेड ड्रग, बिकॉज ऑल ऑफ मोस्टली एनसेड आर नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी, तो आप ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड पे हम जाते हैं क्रैनमैक्स प्रो साशे, एक साशे आप लेंगे उसमें ग्लास वाटर में डालेंगे, BD/OD आप एक दफा या दिन में 2 दफा यूज कर सकते हैं। इफ सम पेशेंट्स फील दे हैव जो है उसको अगर नोजिया वोमिटिंग हो रही है, तो उसके बेस पे आप फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है, तो अगर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ठीक नहीं होता तो यू शुड गो टूवर्ड सेकंड लाइन ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो मार्केट में अवेलेबल है, टैबलेट्स इन विप, फिमिरोज इन विप है, लेवोडॉक्सिन है, जो कि लेवोडॉक्सिन दूरी चिलिका है, तो ये चीजें मार्केट में अवेलेबल है जिसमें डॉक्साइलामीन प्लस वाइटामिन B6 10 मिलीग्राम ये अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपके साथ एनविप है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है फिमिरोज, फिमिरोज भी नहीं है, तो यू शुड गो टूवर्ड द लेवोडॉक्सिन मेक्लेजिल प्लस वाइटामिन B6, तो आप ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।
इंशा अल्लाह उसे जरूर ठीक होगा। अगर इससे ठीक नहीं होता तो यू शुड गो टूवर्ड द सेकंड आर एक्स ट्रीटमेंट, द टेबलेट इंजेक्शन जो कि सेट्रॉज और डिसेट्रॉज और डिसेट्रॉज। तो ये तो हो गई उसकी एंटी वॉमिटिंग या नाजिया वॉमिटिंग के लिए यूज होता है। और मेनली जो थ्री आइटम्स हम ये यूज करते हैं, तो ये एक मेंटल्स पैराडोल क्रैनबेरीज प्रोमेक्साशी। देयर इज सम प्रॉब्लम सम एंटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव इन द प्रेगनेंसी, तो आप ये एंटीबायोटिक्स क्लास अगर देखते हैं तो ये ड्रग्स ये इफेक्टिव होते हैं प्रेगनेंसी में। एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, एग्मेंटिन, सेफालेक्सिन, सेफ्ट्राइजोन, सेफेक्साइम, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैंडोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल जो शुड बी अवॉइड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो फ्लाइजिल वगैरह होती है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप यूज नहीं कर सकते। एडवेंकोमाइसिन जो ओरली होती है वो इफेक्टिव होती है। नाइट्रोफ्यूरोटाइन मोस्टली यूज होता है। मेरोपेन एंड फॉस्फोमाइसिन, तो दिस एंटीबायोटिक विल बी सेफ इन द प्रेगनेंसी। जो भी आप डिजीज में इसके प्रेस्क्राइब कर सकते हैं तो ये मोस्टली आप प्रेस्क्राइब करें। तो दिस ऑल अबाउट टुडे यूटीआई प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट खत्म हुई, इससे पहले हमने दो वीडियो बनाई थी कि प्रेगनेंसी यूटीआई इन एडल्ट, यूटीआई इन चिल्ड्रन एंड लास्ट वन दिस इज द वीडियो ऑफ यूटीआई इन प्रेगनेंसी। तो वो वीडियोस भी आप देख लें तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि यूटीआई में कौन से चीज़ या कौन से ड्रग यूज होते हैं। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह।